हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल कागजी में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ एक रैबिट फार्म में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इस तरह से सेटअप है। एक पेयर है इनके पास रैबिट का, और रेड आई का मेल है और ब्लैक आई की फीमेल है। और इन्होंने कुछ तरह इस तरह से सेटअप कर रखा है केज। और अभी रिसेंटली 8 दिन पहले ही फर्स्ट टाइम ब्रीड पे आई थी और इन्होंने 3 बेबी बर्थ किए हैं न्यू बॉर्न, देख सकते हैं आप कैमरे में। और इन्होंने एक कॉटन और कुशन रख रखा है ताकि इनको चींटियाँ वगैरह ना लग जाएं। और साइडों में इन्होंने ब्रिक्स लगा रखी हैं ताकि ये वापस इधर उधर ना जाएं, एक जगह ही रहें। काफ़ी अच्छे हैं दिखने में। 2 मेल हैं इसमें, एक और फीमेल है। मेरे हाथ में है वो मेल है, और ये जो है वाइट वाला ये भी मेल है, और राइट हैंड साइड में फीमेल है। मैं आपको बाहर ले जाके दिखाता हूँ लाइटनिंग में। फीमेल इनको ढंग से फीड नहीं करा रही है, इसलिए काफ़ी कमज़ोर है। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि आप किस तरह से फीड करा सकते हैं इनको। फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम होती है तो आपको ध्यान देना पड़ता है और ज़बरदस्ती फीडिंग करानी पड़ती है, नहीं तो आपके बेबी एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। 8 से 15 दिन लग जाएंगे इनको सेल्फ फीड पे आने में। अभी आके भी नहीं खुली है इनकी, आप देख सकते हैं कैमरे में। मैं दिन में 3 से 4 बार फीड कराता हूँ इनको, आप 5 बार तक करा सकते हैं। हर फीमेल का अलग मसला रहता है, कई फीमेल करा लेती हैं फीडिंग और कई फीमेल नहीं करा पाती, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी फ़ीमेल नहीं करा रही है फर्स्ट टाइम में, तो आप इस तरह से फीडिंग करा सकते हैं पकड़ के। उसके बाद इनको आदत हो जाती है तो ये खुद ही फीडिंग करा लेते हैं, और बड़े होने के बाद ये खुद ही चलते हैं तो खुद आ जाते हैं फीमेल तक, और ये खुद ही फीडिंग कर लेते हैं। काफ़ी जल्दी जल्दी ब्रीडिंग भी करते हैं, मीटिंग भी करते हैं ये। ये 15-20 दिन में भी फिर से मीटिंग के लिए रेडी हो जाएगी। एक बार बेबी देने के 21 दिन के बाद ये वापस मीटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, और 25 दिन तक ये फिर वापस बेबी बर्थ कर देते हैं। आप इस तरह से पकड़ के इनको फीडिंग करा सकते हैं 10-15 मिनट के लिए। मैं ऐसे ही इनको डेली 3-4 बार ऐसे ही फीडिंग कराता हूँ जब तक फीमेल नहीं करा रही है इनको। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपके फीमेल रैबिट को कोई इशू हो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।